हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल टेक्नो राजस्थान। तो दोस्तों, आप सभी के लिए राजस्थान की एक और भर्ती की परीक्षा तिथि को लेकर महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं, जो आरपीएससी ने ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट जारी कर दी है इस वैकेंसी की। और अभी इस वैकेंसी के ऑनलाइन आवेदन भी चालू है, यानी कि इसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और इसकी ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। और इसका एग्ज़ाम है जो आपका नवंबर 2019 के अंदर ही होने वाला है। तो हम देख लेते हैं ऑफिशियल डिटेल के साथ, जो इस वैकेंसी का एग्ज़ाम कब है और कौन सी ये वैकेंसी है। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं, हम आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, rpsc.rajasthan.gov.in। तो जैसे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर न्यूज़ सेक्शन के अंदर जाएंगे, तो आज की डेट के अंदर आप यहाँ पर प्रेस नोट देख सकते हैं। प्रेस नोट रिगार्डिंग एग्जाम डेट फॉर वाइस प्रिंसिपल, ITI सुप्रिटेंडेंट एंड जो आपका है ग्रुप इंस्ट्रक्टर, एंड जो आपकी सर्वाइवर की वैकेंसी है, असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप की है, तो इन सभी का ऑफिशियल एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये एग्ज़ाम कैलेंडर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक जो PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिसके अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस वैकेंसी का एग्ज़ाम डेट कब है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3 अक्टूबर 2019 का दिन ये ऑफिशियल प्रेस नोट जारी हो रखा है, जिनमें इन सभी वैकेंसीज़ की एग्ज़ाम डेट बता रखी है कि 4 नवंबर 2019 से लेकर 7 नवंबर 2019 तक इनका एग्ज़ाम चलने वाला है। ठीक है, तो 3 दिन कंटिन्यू इनका एग्ज़ाम रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, 4 दिन रहेगा एग्ज़ाम कंटिन्यू। तो आपका जो 4 नवंबर को जो एग्ज़ाम है आपका वाइस प्रिंसिपल ITI सुप्रिटेंडेंट का, ठीक है, और इसके अभी भी ऑनलाइन आवेदन चालू है। 10 तारीख तक आप इस सॉरी 8 तारीख तक इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम है सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों का 4 नवंबर को है। टाइमिंग है सिविल वालों का 10 से 12 बजे, इलेक्ट्रिकल वालों का है 2 से 4 बजे, एंड जो कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन EC वालों का है 5 नवंबर 2019 को, CS वालों का है 10 से 12, एंड EC वालों का है 2 से 4 बजे, एंड जो 6 नवंबर को एग्ज़ाम है मैकेनिकल और IT वाले यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों का, तो ME वालों का एग्ज़ाम है 10 से 12 बजे, एंड जो IT वाला है उनका है 2 से 4 बजे। एंड जो 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम है 7 नवंबर 2019 का दिन, ग्रुप इंस्ट्रक्टर सर्वाइवर असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र ग्रेड सेकेंड का, तो इसका एग्ज़ाम आपका 10 से 12:30। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम डेट आप सभी देख लीजिएगा। technoRajasthan.com पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, साथ ही में अदर गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, तो ये आपके 4 दिन एग्ज़ाम चलने वाले हैं और इनके ऑनलाइन फॉर्म्स भी भरे जा रहे हैं। और जो भी इनके अंदर संशोधन करवाना चाहता है, फ्री में इसके अंदर आप संशोधन करवा सकते हैं। और पहले आपको बता दूं कि ये 86 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली थी, फिर इसमें जो MBC और EWS आरक्षण नहीं दिया गया था, तो इसकी वजह से इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था और फिर से इसके ऑनलाइन आवेदन चालू किए गए। और आप देख सकते हैं, 8 अक्टूबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते रहे, रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, तो जिन्होंने भी BTEC कर रखा है, BTEC वालों के पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा वालों के पास 5 साल का, एंड जो ITI वाला है उनके पास 7 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 8 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। और जो भी इसमें संशोधन करवाना चाहता है, जिन्होंने कैटेगरी गलत भर दी थी, तो वो इसके लिए संशोधन करवा सकते हैं। इसके लिए भी जो EWS एंड जो फिजिकल हैंडीकेप्ड है उनके लिए इसमें संशोधन का टाइम दे रखा है। तो आप जो जो आप देख सकते हैं, जो ITI ग्रुप इंस्ट्रक्टर वाला है वो 25 अक्टूबर तक इसमें संशोधन करवा सकता है, 19 से 25 अक्टूबर, एंड जो ITI वाला है 19 से 25 अक्टूबर तक ये भी इसमें कैटेगरी अपनी चेंज कर सकते हैं। तो इसका एग्ज़ाम डेट भी फिक्स हो चुकी है। तो इसी प्रकार आपकी जैसे ही फर्स्ट ग्रेड के फॉरम रीओपन होते हैं, एंड जो भी बाकी की वैकेंसीज है, तो उनके फॉरम जैसे ही रीओपन होंगे, तो उसी के साथ ही उसकी एग्ज़ाम डेट भी फिक्स कर दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो RPSC जैसे ही फॉर्म रीओपन करता है, तो एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर कर देता है। तो आपकी जो एग्ज़ाम डेट आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को ये जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, एंड पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।